ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या। मोहम्मद रफी निसंदेह हिंदी सिनेमा के महानतम गायकों में से एक थे। वे बेमिसाल प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे और साथ ही उतने ही सरल इंसान भी थे। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है। उनके जीवन में संगीत के अलावा बाकी सभी कार्य गैर जरूरी थे। दिन ढल जाए हाय रात न जाए। रफी साहब के भोलेपन के कई किस्से मशहूर हैं। महान फनकार मोहम्मद रफी को अंग्रेजी नहीं आती थी। कहा तो यहाँ तक जाता है कि मशहूरियत के आगाज के दिनों में वे मुस्कुराकर चाहने वालों के ऑटोग्राफ की फरमाइश को ठुकरा देते थे। कारण था कि उन्हें अंग्रेजी में हस्ताक्षर करना नहीं आता था। जी हाँ, बहुत से लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि मोहम्मद रफी को ऑटोग्राफ साइन करना नहीं आता था। गायक महेंद्र कपूर के बेटे रूहान कपूर रफी साहब को याद करते हुए बताते हैं कि एक बार रफी साहब और उनके पिता ऑल इंडिया रेडियो के कार्यक्रम से लौट रहे थे। रफी साहब मशहूर तो थे ही और उनके चाहने वाले भी अनगिनत थे। ऐसे में कुछ लोगों ने रफी साहब को पहचान लिया और उनसे ऑटोग्राफ मांगने लगे। उधर रफी साहब ऑटोग्राफ नाम की चीज से बिल्कुल अनजान थे। रफी साहब ने महेंद्र कपूर से पंजाबी में पूछा, की मांग रहे ने, मतलब ये लोग क्या मांग रहे हैं। महेंद्र कपूर ने जवाब दिया, रफी साहब ये आपसे आपके दस्तखत मांग रहे हैं। इस पर रफी साहब ने तपाक से बोला, तू कर दे। वास्तव में तब तक रफी साहब को अंग्रेजी में दस्तखत करना नहीं आता था। जैसे जैसे वो मशहूर होते गए, उन्होंने दस्तखत करने का बाकायदा अभ्यास किया ताकि वो अपने प्रशंसकों को निराश न करें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजिंदगी जो भाषा उनके हाथों और जुबान से फिसलती रही, उसी अंग्रेजी में रफी साहब ने दो गीत गाए हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और गाने से जुड़ी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। ये वो गाने हैं जिन पर जमाने की नजर कम ही पड़ी है। संगीतकार जोड़ी शंकर जैक्सन ने इन गीतों को तैयार किया था और दोनों ही गीतों की धुन अपने और रफी साहब के पुराने हिट हिंदी गीतों से ली थी। बात सन 1968 की है जब शंकर जैक्सन एक ऐसे गैर फिल्मी म्यूजिकल एल्बम पर काम कर रहे थे जिसके सारे गाने अंग्रेजी में थे। रफी साहब ने भले ही अपने पूरे फिल्मी करियर में हिंदी के अलावा 14 भारतीय और कुछ विदेशी भाषाओं में तकरीबन 5000 गीत गाए हैं, लेकिन उस वक्त इस एल्बम के दो गीत गाने के लिए वे तैयार नहीं थे। ऐसे में इन गीतों के लेखक हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने, जो कि एक्टर होने के साथ साथ अंग्रेजी भाषा के जाने माने कवि भी थे, उन्होंने न सिर्फ रफी साहब की हौसला अफजाई की बल्कि उनके अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण सही रखने की जिम्मेदारी भी ली। रफी साहब द्वारा गाए गए अंग्रेजी गीतों में पहला गीत The She I Love is a beautiful, beautiful dream come true. I love her, love her, love her, love her, so will you. जो कि 1965 में आई फिल्म गुमनाम के मशहूर गीत हम काले हैं तो क्या हुआ के संगीत पर नए लिरिक्स चढ़ाता है। हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं तेरे 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 चाहने वाले हैं। उनके द्वारा गाया गया दूसरा अंग्रेजी गीत सन 1966 में आई फिल्म सूरज का मशहूर गीत बहारो फूल बरसाओ की धुन पर बनाया गया है। बहारो फूल बरसाओ मेरा। अंग्रेजी में इस गाने के बोल हैं, ऑल्दो वी हेल फ्रॉम डिफरेंट लैंड्स द वर्ल्ड इज वन। ऑल्दो वी हेल फ्रॉम डिफरेंट लैंड्स रिमेंबर The world is one। लगभग 50 साल पहले लिखा गया ये गीत आश्चर्यजनक रूप से हमारे मौजूदा समय का सटीक मूल्यांकन करता है। We want all enmity to cease, for we want peace, we all want peace। एक बड़ी ही विचित्र साथ ही परेशान करने वाली बात है कि आज से तकरीबन आधी सदी पहले जो दुनिया की चिंताएं थी वे आज भी जस की तस बनी हैं। इसीलिए शायद रफी का ये गीत समय समय पर इंटरनेट पर इधर उधर नजर आ जाता है। रफी साहब के अंग्रेजी गीतों से जुड़ा ये रोचक किस्सा आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।